चुनाव प्रेक्षकों के दल ने ली निर्वाचन समीक्षा बैठक, तैयारियों की समीक्षा करते हुए ली जानकारियां। मतदान की तारीख आ रही है नजदीक, राजनीतिक दलों ने तेज किया प्रचार। पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना ने संभाला कांग्रेस के जनसंपर्क का मोर्चा। छिंदवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू का जनसंपर्क अभियान, घरों घर पहुंच रहे विवेक। और श्री राम नवमी पर्व को लेकर बजरंग दल भी सक्रिय, बजरंगियों ने बांटे श्री राम ध्वज। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के लिए आपके बीच में हूँ प्रतिभा वीरेन। और अब खबरों विस्तार से। लोकसभा चुनाव 2019 और विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा बैठक आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में संपन्न हुई। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिवास शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न इस समीक्षा बैठक में पुलिस अधीक्षक मनोज राय, सीओ अनुराग सक्सेना, उप जिला निर्वाचन अधिकारी कविता बाटला, सहायक कलेक्टर अभिलाषा मिश्रा, एडिशनल एसपी शशांक गर्ग, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर अतुल सिंह ने तैयारियों की जानकारी दी। बैठक में प्रेक्षक ज्योति कलश, सतीश लोखंडे तथा भाग्यश्री इब्नाइत ने विस्तृत चर्चा की। प्रेक्षक ज्योति कलश ने जिले की निर्वाचन संबंधी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाते हुए तारीफ की और चौकसी, कम्युनिकेशन तथा स्वीप गतिविधियों के लिए जरूरी बिंदुओं पर निर्देश दिए। 23 थे, लेकिन जो प्रैक्टिकल हम लोगों ने बात की चुनाव के बाद जब सेक्टर अधिकारियों से, तो उसके आधार पर हम लोग को ऐसा लगा कि 10 और सेक्टर हमको बढ़ाने चाहिए। उस आधार पर अब चौरी में 32, सौसल में 29, छिंदवाड़ा में 23, परासिया में 25 और पांडोना में 34 सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और कंप्लेंट्स को लेकर जो स्थिति है, हमारे यहाँ अभी तक जो आदर्श आचरण संहिता के तहत पब्लिक प्रॉपर्टी से जो विलोपन की कार्यवाहियाँ हम लोगों ने की हैं, तो इससे किस प्रकार से 9979 हम लोगों ने बैनर पोस्टर हटाए हैं, 6 केसेस में हम लोगों ने FIR भी दर्ज कराई है। इसी प्रकार से पब्लिक प्रॉपर्टी के 239 केसेस वॉल राइटिंग के पोस्टर्स की कार्यवाही हम लोगों ने संपन्न की है। मिसयूज ऑफ व्हीकल्स के 222 प्रकरण बनाए हैं। वायलेशन ऑफ लाउड स्पीकर के 7 केसेस दर्ज हुए, 7 में हम लोगों ने FIR भी की है, 23 FIR इस फील्ड में भी हम लोगों ने की है। जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा कार्रवाई है, 54,73,000 की पेनल्टी डिस्पोज की गई है अभी तक। और 2007 वेटनरी हॉस्पिटल स्टाफ ने आज पक्षियों के प्रति इंसानी सहृदयता का परिचय देते हुए कार्यालय परिसर में पक्षियों के लिए जलपात्र टांगे। परिसर में गर्मियों को देखते हुए और लू को देखते हुए पशु पक्षियों के लिए यहाँ पे पानी की व्यवस्था की गई है। पक्षियों के लिए परिये में पानी रखी गई है। हमारा सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वो अपने अपने घर के पास इस प्रकार के पानी के बर्तन रखें, ताकि पक्षी जो गर्मियों में प्यासे रहते हैं उनको पानी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद। पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना सघन जनसंपर्क कर जनता के बीच अपनी पैठ बनाए हुए हैं। प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं, वचनों और योजनाओं के साथ पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना विधानसभा प्रत्याशी सीएम कमलनाथ और लोकसभा प्रत्याशी नकुल नाथ के लिए प्रचार प्रसार में जुटे हैं। अभिनंदन, स्वागत है।
और आज आप हमारे वार्ड में आए, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हमारे छोटे से वार्ड में आप लोग के पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं। तो मैं आप लोग का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि इस और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और बता देना सबको साथ देंगे, सबको दिक्कत नहीं जाएगी आप और सबको सही होगा। जबलपुर के लोग द्वारा इलाज कराएगा उसके अलावा देखा तो मिलना है। और इसी तरह जो हमारे प्रशिक्षण के लिए सब बच्चे और बच्चियों की जो प्रशिक्षण के लिए खोले गए उसमें तरह तरह के हमारे सब्जेक्ट है, हर विषय के अलग अलग, तो उसमें चाहे वो पढ़े लिखे हो चाहे ज्यादा पढ़े लिखे हो, जो जो कैटेगरी का है उसको ट्रेनिंग देने को मिला है। साक्षात प्रतियोगिता में रोजगार के लोग यहाँ बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी सिखाने की हुई खजेंद्र बाबी बाकी सब बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी और लोग रघुला जी हमारे राज्य के पुस्तक पाए हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रहे युवा भाजपा नेता विवेक बंटी साहू पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ सघन जनसंपर्क कर घरों घर अपनी पहुंच बनाने में जुट गए हैं। अचानक मौसम बदला और तेज हवाओं के साथ पानी के छींटे पड़े। इन तेज हवाओं का शिकार होकर टीवी सेनेटोरियम मार्ग के पास एक स्वागत द्वार क्षतिग्रस्त हुआ।
में ये वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिले का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त लक्ष्मी नारायण बॉयज हॉस्टल शहर के बीचों बीच शांत एवं सुरम्य वातावरण के बीच स्थित लक्ष्मी नारायण बॉयज हॉस्टल, जहां आप पाएंगे अपने घर जैसी सुविधा, अपने घर जैसे माहौल के बीच लक्ष्मी नारायण बॉयज हॉस्टल। 24 घंटे पानी एवं बिजली की सुविधा, पीने के पानी हेतु आरओ की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त फर्नीचर, नव निर्मित इमारत, पढ़ाई के लिए शांत वातावरण, बाइक स्टैंड एवं पार्किंग की सुविधा, सोलर गीजर द्वारा गर्म पानी की सुविधा, वाईफाई की सुविधा के साथ साथ पूर्णता वातानुकूलित रूम एवं प्रशिक्षित कुक द्वारा स्वादिष्ट भोजन के साथ मेज की सुविधा। तो आइए, आपका स्वागत है जिले के सबसे बड़े और सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल में, लक्ष्मी नारायण बॉयज हॉस्टल, परासिया रोड, साईं मंदिर के पीछे, वार्ड नंबर 45, छिंदवाड़ा। जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास रिश्तों का बंधन, और रिश्ते जब एक सूत्र में बनते हैं तो वो पल होता है जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा, और इस यादगार लम्हे को दीजिए भव्यता के रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। शहर के मध्य हृदय स्थल रेलवे स्टेशन के बहुत पास, भीड़ भाड़ और ट्रैफिक से दूर स्वर्ग सा जहां, 70,000 वर्ग फीट का शाही ओपन लॉन, 30,000 वर्ग फीट का विशाल पार्किंग एरिया, विवाह फेरों के लिए सुसज्जित विवाह मंडप, एसी लग्जरी रूम, 2 एसी हॉल, स्पेशल डिनर एरिया, 2 भव्य किचन, स्टोर रूम, बड़ा वॉशिंग एरिया, 3 बड़े प्रवेश द्वार, कैटर्स और डेकोरेशन की फैसिलिटी। तो अब अपने परिवार के सभी शुभ अवसरों को दीजिए भव्यता का रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। स्थान 4 फाटक दादाजी धुनी वाले मंदिर के पास, छिंदवाड़ा। बुकिंग हेतु संपर्क करें 9098161976 और 2322244। श्री राणा मैरिज लॉन। संतोष कैटर्स यादगार लम्हों को बनाए खास। हर इंसान का सपना होता है एक शाही विवाह समारोह का। शादी को लेकर हर किसी ने संजोए होते हैं खूबसूरत सपने। आपके इन्हीं सारे सपनों को साकार करेंगे संतोष कैटर्स। जीवन के यादगार लम्हे होंगे बेहद खास जब सभी सुअवसरों पर होंगे संतोष कैटर्स आपके साथ। संतोष कैटर्स आपके शादी विवाह, बर्थडे और अन्य सुअवसरों को दे शाही अंदाज। लजीज व्यंजन और आकर्षक डेकोरेशन से आपके मैरिज को दे लग्जरियस लुक। डिलीशियस फूड, ट्रेडिशनल फूड, इंटरनेशनल एंड कॉन्टिनेंटल फूड, हर वो व्यंजन जो आपके वैवाहिक अवसरों को बनाए शानदार और भव्य। संतोष कैटर्स, तिलक मार्केट, मोदी होजरी के सामने, छिंदवाड़ा। साई कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट। साई कैटर्स आपके लिए लाए हैं शादी विवाह, जन्मदिन और अन्य शुभ अवसरों पर लजीज व्यंजनों के साथ आकर्षक कैटरिंग की व्यवस्था। शहर का विश्वसनीय कैटरर साई कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ, चाहे हो साउथ इंडियन या हो चाइनीज और या हो देशी पकवान, हर तरह के पकवानों का आनंद लीजिए। साई कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ प्लेट सिस्टम और मनमोहक कैटरिंग की व्यवस्था के साथ प्रशिक्षित कुक के हाथों से बने लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए साई कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ। तो अपने सुअवसरों को बनाए यादगार साई कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ। साई कैटरर्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चैत्र नवरात्रि की पंचमी पर 10 अप्रैल की रात नगर शक्तिपीठ बड़ी माता मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाआरती में शामिल हुए। Oh,
भवं भवानी सहितं नमामि भण्डार माला कुमारकाले अम्बराय नीलाम्बराय चरियाम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय भवमेव माता। छोटी माता मंदिर में पंचमी तिथि पर माता रानी की महाआरती संपन्न हुई, जिसमें शामिल होकर क्षेत्रवासियों ने पुण्य लाभ अर्जित किया। बाजार स्थित सिद्धिपीठ माता शैलपुत्री मंदिर में नवरात्रि पर्व के अवसर पर विशेष धार्मिक अनुष्ठानों का क्रम अनवरत प्रारंभ है। नवरात्रि की पंचमी तिथि के पावन अवसर पर माता रानी के भक्तों ने झूमकर महाआरती की।
श्री राम नवमी पर्व का उत्साह हिंदू संगठनों में साफ देखा जा रहा है। बजरंगियों ने आज फवारा चौक में श्री राम ध्वज वितरित किए। रामनवमी की तैयारी को लेकर के आज राष्ट्रीय बजरंग दल छिंदवाड़ा के द्वारा स्थानीय फवारा चौक में मोटरसाइकिल में लगाने वाले झंडे लोगों की गाड़ियों में लगाए हैं और आगामी रामनवमी का राम जन्मोत्सव का विशाल यह कार्यक्रम इसको भव्य रूप देने हेतु यहां हमने आज कार्यक्रम आयोजित किए हैं। लगभग 300 से 400 नग झंडे हमने आज वितरण किए हैं। अभी लगातार वितरण का कार्यक्रम चल रहा है और राष्ट्रीय बजरंग दल यहाँ जो राम जन्मोत्सव का जो कार्यक्रम रहेगा इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। इसी दृष्टि से आज हमने यह कार्यक्रम आयोजित किए हैं। सुंदरकांड ग्रुप एक धार्मिक संगठन होने के साथ समाज सेवा के क्षेत्र में सेवाएं देने वाला संगठन है। संगठन सदस्य नाम अनुरूप सुंदरकांड पाठ सहित अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में सनातन हिंदू धर्म की अलग जगाते हैं। संगठन सदस्यों ने आयोजन स्थलों पर ले जाने के लिए प्रभु श्री राम की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करवाई। श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा के द्वारा चलित प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है। इस चलित प्राण प्रतिष्ठा मूर्तियों को आपके बुलावे पर सुंदरकांड का महापाठ किया जाएगा। इन मूर्तियों को आपके समक्ष रखकर सुंदरकांड का महापाठ किया जाएगा। आप सभी धर्मप्रेमी बंधुओं से श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा का निवेदन है कि आप जब कभी सुंदरकांड कराना चाहें हमारे द्वारा निःशुल्क सुंदरकांड का महापाठ किया जाता है। और साथ ही इस कार्यक्रम के बाद 2-12 अप्रैल को अखंड रामायण का कार्यक्रम रखा गया है। उसी के तत्पश्चात 13 अप्रैल को श्री राम जन्मोत्सव के महापर्व में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। सभी धर्मप्रेमी बंधुओं से शहरवासियों से श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा अपील करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस कार्यक्रम में आकर पुण्य लाभ कमाएं। जय श्री राम। श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा। नवरात्रि के पावन अवसर पर आज छोटी माता मंदिर में क्षेत्र की महिलाओं द्वारा सुहागले का आयोजन किया गया।
बाद छोटी माता वार्ड नंबर 31 में सुहागले का आयोजन किया गया। इसमें 300 महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सभी ने सामूहिकता से ये सुहागले की और हर साल देवी मैया के दोनों नवरात्र में यहाँ बढ़ चढ़ कर लोग सुहागले करते हैं और देवी माता की हमेशा कृपा बरसती रहती है सब पे। और आप सभी से निवेदन है कि इस सुहागले में जब भी हो तो आप लोग भी इस सामूहिकता में भाग लें। जय माता की। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। सिटी अंचल की सुर्खियां आप देखते हैं कुछ खास खबरों को हेडलाइंस में। चुनाव प्रेक्षकों के दल ने ली निर्वाचन समीक्षा बैठक, तैयारियों की समीक्षा करते हुए ली जानकारियां। मतदान की तारीख आ रही है नजदीक, राजनीतिक दलों ने तेज किया प्रचार। पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना ने संभाला कांग्रेस के जनसंपर्क का मोर्चा। छिंदवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू का जनसंपर्क अभियान, घरों घर पहुंच रहे विवेक। और श्री रामनवमी पर्व को लेकर बजरंग दल भी सक्रिय, बजरंगियों ने बांटे श्री राम ध्वज। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही, हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।